नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आप सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने सीडीपी में पढ़ा होगा डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं। लगभग 10 से 12 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कैसी वीडियो है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को आप हिंदी में कह सकते हैं रक्षा युक्तियां। इसके बारे में सबसे पहले बात की थी सिगमंड फ्रॉयड ने लगभग 1896 में ये दिया था डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। उसके बाद जो इनकी बेटी है अन्ना फ्रॉयड, उन्होंने भी काफी अपना योगदान दिया है इस चीज को लेकर, डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर। कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने ही दिए हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। पहले देखिए होता क्या है, अगर आपने ईद, ईगो, सुपर ईगो पढ़ा हो या अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप इधर आप आई बटन में देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। इस आई बटन में जाकर आप वीडियो जरूर देखिएगा, ईद, ईगो, सुपर ईगो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि देखिए आप सभी जानते हैं कि ईगो का मेन काम क्या होता है। ईगो का मेन काम होता है कि ईद और सुपर ईगो इनके बीच में बैलेंस बना के रखना। अगर किसी व्यक्ति में ईद ज्यादा है या सुपर ईगो ज्यादा है तो इम्बैलेंसिंग यानी कि असंतुलन पैदा हो जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो काफी उसको प्रभावित करती है। अब होता क्या है कि ईगो ये सारी चीजें कैसे करता है, वो कुछ मैकेनिज्म यानी कि युक्तियों का कुछ तरीके अपनाता है इन चीजों को करने के लिए, जिसको कि हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। मान के चलिए कि आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा जागृत हुई जो कि बहुत ही असामाजिक है और मतलब कि ये मतलब गलत कोई इच्छा आपके मन में आई, तो ईगो का आप काम क्या है, ईगो काम है कि उस जो आपकी इच्छा है उसको समझाना, उसको दबाना, क्योंकि उसको पता है ईगो को कि भाई ये समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ईगो ये काम कैसे करेगा, ईगो कुछ मैकेनिज्म अपनाएगा। कई तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं, चाहे वो रेशनलाइजेशन हुआ, रिग्रेशन हुआ, कंपेंसेशन हुआ, सप्रेशन हुआ या रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ, कुछ भी अपनाएगा और उस जो आपकी ईद है, जो गलत इच्छा है, उसको वो वहीं पर रोक दे, जिससे कि आप एक सही व्यवहार दूसरों के सामने कर सके। तो ये पूरा तरीका होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि ईगो मेनली इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट में कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए हम सबसे पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं युक्तिकरण। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं युक्तिकरण। ठीक है, तो देखिए रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में ये होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी व्यवहार को या किसी भी चीज को सही या गलत ठहराने के लिए रीजंस देते हैं, लॉजिक देते हैं, कारण बताते हैं कि भाई ये इस वजह से है इसलिए ये ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि अक्सर जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब, आपको पता है कि शराब पीना गलत है, उनको भी पता है कि शराब पीना गलत है, लेकिन होगा क्या कि जब आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो इसके फायदे बताने शुरू कर देंगे कि हमें शराब इसलिए पीना चाहिए, इसके ये फायदे होते हैं। ठीक है, तो वो इसी के फायदे उल्टा आपको समझाने लग जाएंगे। या मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटी जो कि आपको पता है वो गलत है, लेकिन आप अपने आप से क्या करेंगे, आप अपने आप को कुछ ऐसे लॉजिक्स देंगे जिससे कि आप उस घटना को सही साबित करें कि मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, आप कुछ ना कुछ कारण अपने आप को देंगे। तो अगर आप कारण दे रहे हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं रेशनलाइजेशन का। ईगो किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो हो गया रेशनलाइजेशन। चलिए अब हम आते हैं अगला, जिसको हम कह सकते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिगमन।
देखिए, अब रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में मतलब हम कुछ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो कि बहुत ही बचकाना होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम जैसे हम यंग हैं, बड़े हैं, तो हम कुछ समय के लिए एक बचपन की अवस्था में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, तो अक्सर जो क्रिकेटर होता है, मान लीजिए वो किसी कारण से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्योंकि उसको उस मैच से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वो आउट हो गया जल्दी, तो होगा क्या कि उस अचानक से वो एक ऐसा व्यवहार दिखाएगा जिसमें कि वो बल्ले को जोर जोर से पटकेगा जमीन पे। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है अपने अंदर, तो वो क्या कर रहा है, वो उस गुस्से को निकाल रहा है बाहर, कैसे, रिग्रेशन के रूप में। रिग्रेशन मीन्स वो बचकाना हरकतें कर रहा है, बल्ले को पटक रहा है जमीन पे जोर जोर की। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रिग्रेशन का, जिसमें कि आप क्या करते हैं, आप मतलब अपनी पूर्व की अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनके साथ कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से वो बच्चे की तरह रो रहे हैं, फूट फूट के, जैसे बच्चा एक रोता है ना बहुत ही तेज चिल्ला चिल्ला के, वैसे रो रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा है, अपने मतलब पूर्व अवस्था में चला जा रहा है, उस तरह का व्यवहार कर रहा है, बचकाना हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल है रिग्रेशन का। और ईगो ऐसा करने देता है, ऐसा इसलिए करने देता है ताकि उसके अंदर की का जो तनाव है वो उससे काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अगला, रिग्रेशन हो गया। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे कंपेंसेशन। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे कंपेंसेशन। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं क्षतिपूर्ति, क्षति पूर्ति। अब क्षतिपूर्ति क्या होती है, कंपेंसेशन क्या होता है, कि मतलब हम किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज दे देते हैं। अगर आपने देखा हो ना, जैसे किसान, किसानों की क्षतिपूर्ति की जाती है, मान लीजिए कोई सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उनकी जमीन पे, तो क्या करेगी, उनकी जमीन लेकर उनको कंपेंसेट करेगी, कुछ पैसे दे देगी, मुआवजा दे देगी, कंपेंसेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो ये तो मैंने जनरल लैंग्वेज में आपको कंपेंसेशन समझा दिया, लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में भी कंपेंसेशन होता है। साइकोलॉजी में कैसे होता है कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, कि मान लीजिए आपकी कोई इच्छा थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, आप वो करना चाहते थे लेकिन वो आप नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे कि वो तो आप नहीं कर पाए लेकिन आप उसकी जगह कुछ और कर लेंगे, ताकि आपकी जो पहली वाली इच्छा है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस बनना चाहते थे, आपने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, लेकिन आप अनसक्सेसफुल हो गए, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जगह कुछ बड़ा बिजनेस कर लेंगे अपना, है ना, या अपना कोई यूट्यूब चैनल खोल लेंगे और वहां पे पढ़ाएंगे और बहुत ही फेमस हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, कंपेंसेशन कर रहे हैं, कि आपका ड्रीम तो था, इच्छा थी आपकी यूपीएससी क्लियर करने की, आईएएस बनने की, लेकिन क्योंकि आप वहां पे नहीं हो पाए सफल, तो आपने कुछ और बड़ा कर लिया जो कि वो भी एक सक्सेसफुल ही है, ठीक है। तो आपकी इच्छा तो थी ये करने की, लेकिन आपने क्या किया, उसकी जगह ये कर लिया, क्योंकि आप ये नहीं कर पाए तो आपने ये कर लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होता है कंपनसेशन का। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ। अगला है जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ठीक है। हमें अगर मान लीजिए कोई चीज पसंद नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, मुझे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कोई एक पर्सन है वो पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्शन करूंगा, मैं कहूंगा कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है। ये एक तरीका होता है प्रोजेक्शन का। इसके लिए आप एक कहावत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, आपने ये कहावत सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये जो कहावत है ये पूरी तरीके से फिर बैठती है इस प्रोजेक्शन पे, कि गलत आप हैं लेकिन आप खुद को गलत मानने की बजाय सामने वाले को गलत मानेंगे और कहेंगे कि भाई वो गलत है मेरे प्रति। तो ये एक एग्जाम्पल है
प्रोजेक्शन का। इसमें क्या होता है कि इसमें आप सामने वाले को दोष देते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आप हो सकता है इसको रेशनलाइजेशन से कंफ्यूज ना करें, रेशनलाइजेशन से, ठीक है, कि रेशनलाइजेशन में भी हम लॉजिक देते हैं और अपनी बात को सही साबित करते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम खुद को सही साबित करते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, सामने वाला गलत है, लेकिन हम यहाँ पे बिना लॉजिक के काम करते हैं, ठीक है, हम बहस कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ बिना लॉजिक के बहस कर रहे हैं, ठीक है, और हम सामने वाले को गलत साबित कर रहे हैं जबकि गलत हम होते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है प्रोजेक्शन का, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं सबलिमेशन। सबलिमेशन, सबलिमेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं उदात्तीकरण, उदात्तीकरण, ठीक है। सबलिमेशन में क्या होता है कि आप अपने अंदर के अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स या अनएक्सेप्टेबल जो एनर्जी है, मतलब ऐसी चीज जो कि आपके अंदर है और वो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो क्या आप गुस्से में बाहर किसी को भी पीट दोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर ये एक बिहेवियर है, एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है आपका, ठीक है, आप अनकंट्रोलेबल हो, आपका खुद पे नियंत्रण नहीं रहता, इतना आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या करोगे? इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप अपने इस व्यवहार को एक सही दिशा में ले जाओ। कैसे भाई? अगर आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा तो आप बॉक्सिंग कर लो, बॉक्सिंग सीख लो, बॉक्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लो, ठीक है, और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को, अपने गुस्से को चैनलाइज कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। हो सकता है कल को आप एक अच्छे बॉक्सर बन जाए, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे, आर्ट के रूप में, ड्रॉइंग बना ली, पेंटिंग बना ली, कविता लिख ली, कहानी लिख ली, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने अंदर की जो अनएक्सेप्टेबल एनर्जी है या बुरी चीज है उसको हम चैनलाइज कर लेते हैं सही तरीके से, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने का। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला। अच्छा कितने हो गए अभी तक? पांच हो गए, अब हम पढ़ते हैं सिक्स्थ हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए सिक्स्थ हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं विस्थापन, विस्थापन। अब सुनिए, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि हम अपने अंदर का जो, मतलब अपने अंदर का जो गुस्सा है, जो व्यवहार है या कोई भी जो नेगेटिव चीज है वो हम किसी दूसरे पर निकाल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके बॉस ने आपको डांटा, किसी कारण से आपको डांट दिया मान लीजिए, और आप क्या करते हैं, आप पलट के तो उसको जवाब दे नहीं सकते क्योंकि आपको पता है अगर आप पलट के जवाब देंगे तो आपकी जो नौकरी है वो खतरे में चली जाएगी, डेंजर, तो आप उसको जवाब नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे और घर जाकर जो अपनी वाइफ है, ठीक है, या जो बच्चे हैं उन पर वो गुस्सा उतार देंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि कहीं का गुस्सा कहीं पर जो निकालना, ठीक है, इन शॉर्ट मैं कहूँ तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए अब हम आते हैं अगला, सेवन्थ हम पढ़ रहे हैं रिप्रेशन, रिप्रेशन, रिप्रेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं दमन। अब देखिए रिप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन में मतलब कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी यादें जो कि आपको दुख पहुंचाती हैं उनको आप भूल जाते हैं, ठीक है, और उनको आप याद भी नहीं करना चाहते। तो जो अन्ना फ्रॉयड है उन्होंने इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, कि भाई जो ये रिप्रेशन है ये मोटिवेटेड
फॉरगेटिंग है, मतलब आप इसको भूलना चाहते हैं, इसलिए भूलना चाहते हैं ताकि ये आपको दुख ना पहुंचाए। तो होता क्या है कि इस तरह की चीजें हम कुछ समय बाद अपने आप ही भूल जाते हैं, हमें मतलब याद भी नहीं रहती। कुछ ऐसी घटना घट गई, मान लीजिए आप कभी गाड़ी चला रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, हालांकि वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है कि आपको फिजिकली कुछ डैमेज हुआ, लेकिन आपके साथ आपके लिए कोई बुरा एक्सपीरियंस है, तो आप जब भी याद करेंगे कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था, तो आप डर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि उसको याद ही नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में ये हमारे बिहेवियर में दिखती हैं चीजें, जो भी हमारे रिप्रेशंस होते हैं, जो भी हमने इच्छाएं दमित कर रखी हैं अपने अंदर, वो हमारे व्यवहार में दिखती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ और आपने जो उस घटना है उसको अपने मन में कहीं दबा लिया, आप उसको अब याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जब भी याद करते हैं आप उस डर जाते हैं, आपको दुख पहुंचता है। लेकिन होगा क्या कि फ्यूचर में आप मान लीजिए ड्राइविंग करेंगे या गाड़ी चलाएंगे, तो फिर भी आपके मन में एक डर की भावना जरूर रहेगी, फियर जिसको हम कहते हैं ना, फियर मन में आपके फियर जरूर रहेगा गाड़ी चलाते समय, वो दिखेगा, डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रिप्रेशन का। इसमें ध्यान रहे कि इसमें हम अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, जो बुरी इच्छाएं होती है ना वो अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं जानबूझ के उसको भूलना चाह रहा हूँ, कुछ क्योंकि मेरे साथ वो अप्रिय घटना थी तो कुछ समय बाद अपने आप ही मैं उसको भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उसको याद नहीं करना चाहूंगा बार बार, ये इसमें होता है। अब हम आते हैं अगला, सप्रेशन। सप्रेशन थोड़ा बहुत रिप्रेशन से मिलता जुलता है, एट्थ हो गया आई थिंक ये एट्थ, सप्रेशन। सप्रेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं शमन। अब देखिए शमन में क्या होता है, इसमें हम जानबूझकर किसी घटना को बुलाना चाहते हैं, ठीक है, जानबूझकर हम किसी घटना को बुलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी के घर में मान लीजिए गेस्ट आए, हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके घर में गेस्ट आए कुछ, अब मान लीजिए जो हस्बैंड है वो कुछ ऐसी हरकत कर दे गेस्ट के सामने कि वाइफ को आ जाए गुस्सा, तो वाइफ जो है वो उस समय तो जवाब देगी नहीं गेस्ट के सामने, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने कुछ बोल दिया इनको तो भाई गेस्ट को भी बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, माहौल खराब हो जाएगा। तो क्या करेगी, कुछ समय के लिए जो अपने पति का व्यवहार है उसको कहेगी कि ठीक है अभी इसको नेग्लेक्ट करो, भूल जाओ, बाद में देखती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो वाइफ है अपनी पति का जो व्यवहार है उसको जानबूझकर बुलाना चाह रही है कुछ समय के लिए कि भाई इसको अभी नहीं, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे चीजें जानबूझकर हो रही हैं, लेकिन इससे पहले जो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको रिप्रेशन का, इसमें हम अपने आप ही भूल जाते हैं चीजें, ठीक है, अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं, इसमें हम कॉन्शियसली बुलाना चाहते हैं उन चीजों को, जो अप्रिय घटना है उसको हम जानबूझकर बुलाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगला, नाइन्थ, डिनायल। डिनायल, डिनायल को हम कह सकते हैं हिंदी में कि भाई मना कर देना, इनकार कर देना किसी चीज से, इनकार। आई थिंक ये गलत लिख दिया मैंने हिंदी में, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। इनकार, चलिए। अच्छा, डिनायल में क्या होता है, डिनायल में ये होता है कि हम जो है वास्तविकता को जानते हुए भी हम उसको इनकार कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है या ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिनायल में ये होता है कि हम वास्तविकता जानते हुए भी उसको इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, उसको पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन वो फिर भी क्या कहेगा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो सकता तंबाकू खाने से, वो खाएगा फिर भी उसको, वो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कुछ लोगों को इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए, उनको पता है तंबाकू से कैंसर होता है लेकिन फिर भी वो क्या कहेंगे, मुझे कुछ नहीं होता, वो डिनायल कर रहे हैं इन चीजों को लेकर। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, उसको पता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, वो कहेगा कि ठीक है तैयारी तो अपनी है ही, दे देंगे,
वो ऐसा सोचता है। वास्तविकता क्या है कि उसको पता है मैंने ये सब अभी तक ये चैप्टर्स मैंने पढ़े नहीं है, काफी कुछ सिलेबस बच रहा है, फिर भी उसको डिनाई करेगा वास्तविकता को। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कई बार आपने कुछ इंसिडेंट देखे होंगे इस टाइप से कि मान लीजिए किसी के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो अचानक से जब उनके घर वालों को ये बात बताई जाती है तो उसमें से कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा आता है कि वो उसको सुनते ही डिनाई कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो ठीक ठाक गया था घर से और अचानक से ये क्या हो गया, उसको इनकार करने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये मैंने कुछ स्पेशल केस बताया कि ऐसा कई बार आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। या फिर आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बताई कि डिनायल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, मतलब इसमें क्या कि हम रियलिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है या नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला है भाई जो हम पढ़ेंगे वो है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब ही समझ गए आप, दिन में सपने देखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम चाहते हैं कि काश हमारे पास अच्छा सा घर हो, ठीक है, और अच्छा अच्छी सी गाड़ी हो, ये सब हमारी इच्छाएं होती हैं कि अच्छी सी गाड़ी हो। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम तो हैं बेरोजगार। क्या है, हम बेरोजगार, कमाते हैं नहीं, तो भाई घर कहाँ से होगा अच्छा, गाड़ी कहाँ से होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इनके सपने देखने लगेंगे कि काश मेरे पास अच्छा सा घर होगा, उसमें स्विमिंग पूल होगा और पीछे गार्डन होगा, ये सारी चीजें, बढ़िया सी गाड़ी होगी मेरे पास, मर्सिडीज या ऑडी, जो भी आप सोचते हो इस टाइप से आप सोचेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। और ईगो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जो इसकी ईड्स है वो कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाई हो जाए। इसके बारे में मैंने सेपरेटली एक वीडियो भी बनाई थी, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग की बात की थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जब हम हमारे अंदर कुछ इच्छाएं आती हैं, ईड्स जो हमारे अंदर होते हैं, तो जब हम उसकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता, मतलब तुरंत उसकी संतुष्टि नहीं होती, पूर्ति नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम उसका इमेज क्रिएट करने लगते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग से काफी लिंक्ड है डे ड्रीमिंग, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें हम इमेज क्रिएट करते हैं और सोचते हैं, जबकि डे ड्रीमिंग उससे काफी हद तक आगे बढ़कर चीजें सोच लेती है, ठीक है। तो ये हो जाता है डे ड्रीमिंग की वास्तविकता से आप बिल्कुल हट जाते हैं और अलग ही कल्पना करने लगते हैं दिमाग में, इमेजिनेशन करने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं डे ड्रीमिंग। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला 11th हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन, अच्छा ये मैं बताना भूल गया, जैसे जो ये डे ड्रीमिंग है इसको हम हिंदी में कह सकते हैं दिव्य सपने कह सकते हैं, दिन में सपने देखना कुछ इस टाइप से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में ये कह सकते हैं तादात्मीकरण, तादात्मीकरण, तादात्मीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे के साथ, या आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कॉपी करना किसी की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति पसंद है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको आपको जो आपके टीचर हैं वो काफी पसंद आते हैं, जो आपका कोई कोई फेवरेट टीचर है, तो आप क्या करेंगे, आप उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उनका जो भी ड्रेसिंग सेंस होगा, जो भी वो कपड़े पहनते होंगे, जिस स्टाइल में पहनते होंगे, उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए आपको कोई फेमस कोई आपका फेवरेट बॉलीवुड कोई एक्टर है तो उसका आप स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ हो तो लोग होते हैं जैसे सलमान खान को पसंद करते हैं, तो जैसे सलमान खान की फिल्म आई थी ना तेरे नाम, जिसमें कि उन्होंने बीच की मांग यूँ बना रखी थी, तो उनको देखकर बाकी लोगों ने भी बीच की मांग रखनी शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया, तादात्मीकरण किया, कि खुद को दूसरों के साथ एसोसिएट कर लिया, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। चलिए अगला है रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं
प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी डिजायर है किसी सामने वाले को लेकर, हम उसके साथ बिल्कुल ही उल्टा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हम बिल्कुल उसका उल्टा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, आप इसके साथ इसका उल्टा बिहेव करेंगे, बिल्कुल ही फ्रेंडली बिहेव करेंगे, ताकि आप अपने अंदर की जो ये वाली इच्छा है, इसको नापसंद करने की जो इच्छा है, इसको खत्म कर सके, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कई बार कि आपको, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड, मान लीजिए आपको शिक्षक आपको पसंद नहीं है, या मान लीजिए आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्या करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि उसके अंदर की जो उसके प्रति जो घृणा है आपके अंदर, वो खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर भाई मैंने अपने अंदर की घृणा उसको दिखा दी, ये मतलब अपने अंदर का जो क्रोध उसको दिखा दिया, तो मुझे पता है ये मेरा आखिरी दिन रहने वाला है ऑफिस में। तो होता क्या है, आप उल्टा व्यवहार करते हैं, आप इतना फ्रेंडली बिहेव करेंगे उनके साथ कि भाई उनको लगे कि हाँ भाई आप तो बहुत सबसे खास आप ही होंगे। तो ये उल्टा बिहेव करना, जो भी आपके अंदर फीलिंग होती है सामने वाले को लेकर, ये कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी, एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले हमने पढ़ा रेशनलाइजेशन के बारे में, ठीक है। रेशनलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा रिग्रेशन के बारे में, रिग्रेशन के बाद हमने पढ़ा कंपनसेशन के बारे में, उसके बाद प्रोजेक्शन, सबलिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, फिर सप्रेशन पढ़ा, डिनायल पढ़ा, डे ड्रीमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। लगभग हमने 12 डिफेंस मैकेनिज्म्स को आज डिस्कस किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया लगा डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे बताइए कमेंट करके। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पे रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।